नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब देश की कमान संभाली तो 2014 से पहले देश के जो हालात थे वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी हुई सरकार थी। उनके कई कैबिनेट मिनिस्टर जेल के सीटों के पीछे चले जा चुके थे। चाहे कॉमनवेल्थ का घोटाला हो तो तत्कालीन खेल मंत्री जेल के सीटों के पीछे थे, चाहे संचार घोटाला हो, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो तो उनके मंत्री जेल के सीटों के पीछे थे। सेना के बने भवनों में मुंबई में घोटाला हुआ उसमें भी भ्रष्टाचार के दाग लगे, कोयला घोटाला हुआ उसमें भी भ्रष्टाचार के दाग लगे। भारत माता की छवि लगातार धूमिल हो रही थी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी तो दो चुनौतियां माननीय मोदी जी के समक्ष सबसे बड़ी थी। एक चुनौती जो भारत की छवि पूरी दुनिया के पैमाने पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने वाली देशों की सूची में तेजी के साथ ऊपर की ओर बढ़ाने का काम किया था, उसको हमें सही स्थिति भारत माता की दुनिया के सामने। और दूसरी चुनौती थी कि भारत के अंदर गरीबी और अमीरी में खाई बढ़ गई थी, गरीब आदमी और गरीब हो रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया जब उन्होंने 2014 में देश की सत्ता संभाली तो दुनिया के पैमाने पर ढेर सारे राष्ट्रों का दौरा करके भारत माता की वास्तविक छवि को दुनिया के सामने रखा और भारत के गरीब कल्याण योजनाओं चला करके भारत के गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में आज कामयाबी हासिल की। आज हम कह सकते हैं कि हर गरीब को पक्का मकान मिला है। हर गरीब का सपना होता उसे पक्का मकान मिले, अपने बच्चों को जब दुनिया छोड़ करके जाए तो पक्के मकान में छोड़ के जाए, चाहे एक कमरा हो चाहे दो कमरा हो, वो छप्पर में पैदा हो, खपड़ेल में पैदा हो, पन्नी में पैदा हो। लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अपने देश के प्रदेश के हर गरीब को पक्का मकान लेकर के उसके जीवन स्तर में बदलाव लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी ने किया है। शौचालय देखने में छोटा सा